हे नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आज कंपेयर करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 730G को किरिन के 825G से एंड देखेंगे कौन सा द बेटर चिपसेट है। जहाँ तक बात करते हैं फैब्रिकेशन की, तो आपका स्नैपड्रैगन 730G आपको ऑफर करता है 8nm का फिनफेट टेक्नोलॉजी और ऑन दी अदर हैंड आपकी किरिन के 825G में आपको मिल जाता है 7nm का फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन के मामले में आपका जो किरिन का 825G है वो बेटर है। जहाँ तक बात करते हैं यहाँ पर रैम की, तो आपके स्नैपड्रैगन 730G में आपको मिल जाता है ड्यूल चैनल LPDDR4X का रैम जो कि 8GB तक जा सकता है एंड यहाँ पर जो क्लॉक स्पीड है वो है 1866 MHz की। ऑन दी अदर हैंड किरिन के 825G में आपको मिल जाता है क्वाड चैनल 8GB तक जाने वाला LPDDR4X का रैम जिसकी क्लॉक स्पीड हो सकती है 2133 MHz की। तो यहाँ पर रैम के मामले में भी दोनों में LPDDR4X का रैम तो मिलता है, बट यहाँ पर क्लॉक स्पीड और जो चैनल है वो ज्यादा होने की वजह से किरिन का 825G बेटर निकल के आता है। जहाँ तक बात करते हैं यहाँ पर स्टोरेज की, तो स्नैपड्रैगन 730G में आपको मिल जाता है UFS 2.1 का सपोर्ट। ऑन दी अदर हैंड किरिन के 825G में आपको मिल जाता है UFS 3.0 का सपोर्ट। जहाँ तक बात है यहाँ पर सीपीयू की, तो दोनों में ही आपको 64-bit के 8-core वाले सीपीयू देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके स्नैपड्रैगन 730G में आपको ड्यूल क्लस्टर वाला सीपीयू देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको पहले क्लस्टर में 2 cores मिल जाते हैं हाई परफॉर्मेंस वाले जो कि कॉर्टेक्स के A76 वाले कोर पे बेस्ड है एंड जो क्लॉक स्पीड है वो है 2.2 GHz की। ऑन दी अदर हैंड सेकंड क्लस्टर में आपको 6 cores मिलते हैं एफिशिएंसी के लिए एंड यहाँ पर ये जो कोर्स है वो बेस्ड है कॉर्टेक्स के A55 वाले कोर्स पे एंड जो क्लॉक स्पीड है वो है 1.8 GHz। किरिन 825G में आपको मिल जाता है 3 cluster वाला सीपीयू एंड पहले क्लस्टर में आपको 1 core मिलता है कॉर्टेक्स का A76 वाला क्लॉक्ड एट 2.36 GHz एंड सेकंड क्लस्टर में आपको 3 cores मिल जाते हैं कॉर्टेक्स के A76 वाले क्लॉक्ड एट 2.22 GHz एंड लास्ट क्लस्टर में आपको 4 cores मिलते हैं एफिशिएंसी के लिए जो कि कॉर्टेक्स के A55 वाले कोर्स पे बेस्ड है एंड जो क्लॉक स्पीड है वो है 1.84 GHz। तो सीपीयू के मामले में यहाँ पर दोनों में ही आपको लगभग बहुत ही अच्छे स्पेक्स देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर मेरे ओपिनियन से आपका किरिन का 825G यहाँ पर बेटर निकल के आता है, बिकॉज यहाँ पर आपको एक जो है कोर्स मिलता है हाई परफॉर्मेंस वाला जिसकी जो क्लॉक स्पीड है वो थोड़ी ज्यादा है। बाकी अगर बात कर ली जाए यहाँ पर कोर्स की क्वालिटी की, तो आपको यहाँ पर दोनों में कोर्स की क्वालिटी सेम है 76 वाले कोर्स एंड 55 वाले कोर्स एंड और एक जो रीजन है यहाँ पर किरिन के 825G के बेटर होने का कि यहाँ पर आपको 4 cores मिल रहे हैं जो कि हाई परफॉर्मेंस वाले हैं। ऑन दी अदर हैंड 730G में आपको सिर्फ 2 cores मिल रहे हैं जो कि हाई परफॉर्मेंस वाले हैं जिसकी वजह से आपका जो चिपसेट है ज्यादा पावरफुल बन रहा है। जहाँ तक बात करते हैं यहाँ पर जीपीयू की, तो स्नैपड्रैगन 730G में आपको मिल जाता है एड्रीनो 618 वाला जीपीयू क्लॉक्ड एट 850 MHz। ऑन दी अदर हैंड किरिन के 825G में आपको मिल जाता है माली का G57 MP6। अगर बात करते हैं यहाँ पर सेंचुरी मार्क की, तो यहाँ पर आपके किरिन के 825G का जो सेंचुरी मार्क है अभी तक आया नहीं है, बट मैं अपने ओपिनियन से अपने एक अंदाजे से कह सकता हूँ कि ये लगभग 101.2 तक लगभग स्कोर कर लेगा। ऑन दी अदर हैंड 730G यहाँ पर सेंचुरी मार्क में स्कोर कर लेता है 97। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आपका जीपीयू जो है किरिन के 825G में आपको बेटर देखने को मिलता है। ये वही जीपीयू है जो जीपीयू आपके डायमेंसिटी 800 में आपको मिलता है, बट वहाँ पर जो है लाइक 2 cores आपको कम मिलते हैं, वहाँ पर आपको 4 core मिलता है। उसके ऊपर मैंने जो है वीडियो बना दी है, यहाँ पर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। जहाँ तक बात करते हैं यहाँ पर AI की, तो AI के मामले में स्नैपड्रैगन 730G बेटर होगा, बिकॉज यहाँ पर आपको 3rd generation हेक्सागन 688 DSP मिलता है। ऑन दी अदर एंड किरिन के 825G में आपको NPU मिलता है जिसमें सिर्फ एक ही बिग कोर है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं NPU की, एंड NPU से मेरा मतलब है कि AI के जितने भी काम होते हैं आपके फोन में वो आपके स्नैपड्रैगन 730G में आपको थोड़ा बहुत जो है बेटर देखने को मिलेंगे। अभी अगर बात करते हैं यहाँ पर ISP की, तो आपके स्नैपड्रैगन 730G में आपको सिंगल कैमरा यहाँ पर 192 MP तक का मिल जाता है सपोर्टेड एंड फुल्ली सपोर्टेड सेंसर यहाँ पर 36 MP का आपको मिल जाता है एंड 48 MP का सेंसर भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है विद MFNR एंड ड्यूल कैमरा यहाँ पर आपको 22+22 MP का मिल जाता है। यहाँ पर आपको 350 ISP मिलता है जो कि 14-bit के ड्यूल ISP पे बेस्ड है। ऑन दी अदर हैंड किरिन के 825G में आपको मिल जाता है सिंगल कैमरा 64 MP तक का एंड यहाँ पर ड्यूल कैमरा का आपको 2 setup मिलता है
दिखता है, जो कि है 40 प्लस 24 मेगापिक्सल का एक सेटअप एंड 22.5 के ड्यूल कैमरा का एक सेटअप। जहां तक बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले की, तो दोनों में ही आपको क्वाड एचडी प्लस तक के डिस्प्ले सपोर्ट मिल जाता है, बट आपके स्नैपड्रैगन 730G में अगर फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले लगाया जाए तो वहां पर 90 से लेके 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले को भी यहाँ पर जो है लगाया जा सकता है। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आपके पोको का जो X2 है वहां पर आपको ये देखने को मिलता है कि वहां पर एक फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले तो है बट वो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे काम करता है। तो यहाँ मांगे चल सकते हैं कि आपके स्नैपड्रैगन 730G में फुल एचडी प्लस के डिस्प्ले के साथ में 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट तक का एक डिस्प्ले लगाया जा सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की जहां तक बात करते हैं तो दोनों में ही आपको 4K UHD की क्वालिटी में 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। एंड वीडियो प्लेबैक यहां पर दोनों में ही 4K UHD की क्वालिटी की वीडियो को हम प्लेबैक कर सकते हैं। जहां तक बात करते हैं यहाँ पर मॉडेम की, तो ऑफकोर्स यहाँ पर अभी केरिन के 820 5G में आपको 5G मॉडेम मिलता है और ऑन दी अदर हैंड 730G में आपको सिर्फ 4G LTE मॉडेम मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड है वो है 800 मेगाबाइट्स पर सेकंड की एंड अपलिंक स्पीड आपको मिल जाती है 150 Mbps की। ऑन दी अदर हैंड केरिन के 820 5G में आपको मिलता है डाउनलोडिंग स्पीड 2.3 Gbps तक का एंड अपलिंक आपको मिल जाती है 1.25 Gbps की। जहां तक बात करते हैं आप पबजी के टेस्ट की, तो आपका स्नैपड्रैगन 730G यहाँ पर स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक की सेटिंग में जा सकता है एंड GFX टूल यूज करने के बाद आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक की सेटिंग में भी गेम प्ले कर सकते हो। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर FPS की, तो आपका स्नैपड्रैगन 730G यहाँ पर स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक की सेटिंग में लगभग आपको 35 से लेके 40 का FPS देता रहता है। ऑन दी अदर हैंड आपके एक्सट्रीम तक की सेटिंग में यहाँ पर आपको 55 से लेके 45 का FPS का एवरेज देखने को मिलता है एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको HD पे हाई का सेटिंग ही मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा चकित की बात है। 30-35 मिनट की गेमिंग के बाद ये चिपसेट है यहाँ पर लगभग 40 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर जाता है। ऑन दी अदर हैंड किरिन के 820 5G में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो चिपसेट है यहाँ पर स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक की सेटिंग में आता है, एक्सट्रीम तक आप सेम जा सकते हो GFX टूल को यूज करके। यहाँ पर आपको लगभग एक्सट्रीम के साथ में जो FPS मिलेगा वो आपको मिलेगा 59 से लेके 56 का एंड अल्ट्रा के साथ में जो आपको FPS मिलेगा वो आपको मिलेगा 40 से लेके 38 का। अनफॉर्चुनेटली ये भी चिपसेट यहाँ पर HD प्लस हाई तक के ग्राफिक्स में ही चलता है, मतलब चल सकता है। ऑफकोर्स यहाँ पर और भी ग्राफिक्स यहाँ पर जो रेंडर करने के लिए बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है चिपसेट में, बट जो कंपनीज है जो मैन्युफैक्चरर है उसने जो है इसको अनलॉक नहीं किया है फॉर सम रीजन, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है कंपनी, बट जो भी है अगर अपडेट से इसको ठीक किया जाएगा तो बहुत ही अच्छे से जो चिपसेट है अपना परफॉर्मेंस दिखा पाएगा। जहां तक बात करते हैं आप बैटरी की, तो आपका स्नैपड्रैगन 730G यहां पर 30 मिनट से गेमिंग के बाद 450 mAh की बैटरी यूज कर जाता है, तो यहां पर लगभग अगर 4000 mAh की बैटरी इसको दी जाए तो ये लगभग 11 से 12% की बैटरी यूज कर जाएगा 30 मिनट से गेमिंग में। ऑन द अदर हैंड किरिन का 820 5G यहां पर लगभग 260 से लेके 300 mAh की बैटरी यूज करता है 30 मिनट से गेमिंग में, तो ये लगभग अगर इसको 4000 mAh की बैटरी दी जाए तो ये यहां पर 5 से लेके 7% का बैटरी यूज करेगा 30 मिनट से गेमिंग में। जहां तक बात करते हैं यहाँ पर एंटूटू स्कोर की, तो आपका स्नैपड्रैगन 730G यहाँ पर स्कोर कर लेता है 260,000 के आसपास का एंटूटू स्कोर और दी अदर एंड किरिन का 820 5G यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्कोर करता है, जो कि है 375,000 तक। बात करते हैं यहाँ पर Geekbench 5 की, तो Geekbench 5 में आपका स्नैपड्रैगन 730G यहाँ पर स्कोर कर लेता है 542 एंड मल्टी कोर में स्कोर कर लेता है 1703। ऑन दी अदर हैंड किरिन का 820 5G यहाँ पर सिंगल कोर में स्कोर कर लेता है 635 एंड मल्टी कोर में स्कोर कर लेता है 2433। तो कंक्लूजन की अगर बात करते हैं तो कंक्लूजन यहाँ पर यही निकल के आता है कि किरिन का 820 5G इज फार बेटर देन स्नैपड्रैगन 730G। अगर आपको गेमिंग के लिए चिपसेट लेना है तो आपका किरिन का 820 5G बेटर ऑप्शन होगा, बट डिपेंड करता है कि कंपनी ने उसको ऑप्टिमाइज किया है फॉर गेमिंग की नहीं, एंड लाइक अपडेट के साथ साथ ऑप्टिमाइजेशन होते रहते हैं, बिकॉज अभी एक बहुत ज्यादा नया चिपसेट है तो अभी तक ऑप्टिमाइज हुआ नहीं है। ऑफ कोर्स ऑप्टिमाइज होने के बाद मैं एक नया वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा कि यहाँ पर अभी आपको लाइक उस टाइम पीरियड में क्या क्या सेटिंग मिल रही है एंड कैसे आपको परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड सब्सक्राइब करें चैनल को एंड टिल देन दिस इज निक साइनिंग ऑफ।